हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग। आज हम पढ़ेंगे टॉम जोन्स। टॉम जोन पब्लिश्ड हुआ था 1749 में। इसमें क्या होता है, एक स्क्योर ऑल वर्दी है, एक पर्सन है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, एक नेकदार इंसान जिसको हम कह सकते हैं, वो है, ये अच्छे काम करता है और हर कोई इसकी प्रेज करता है। तो इसकी एक बहन है जिसका नाम है ब्रिजिट, ये इसकी सिस्टर है। तो ये जो हमारा स्क्वायर ऑलवर्दी है, ये लंदन गया हुआ होता है। तो जब ये लंदन से आता है तो ये देखता है कि इसके घर के बेड पे एक बेबी लेटा हुआ है, कोई इसको वहाँ पे छोड़ के चला गया है। तो फिर ये जो हमारे स्क्वायर ऑलवर्दी है, यह अपने जो हाउस कीपर उसको बुलाता है, मिसिस जैबरा उसका नाम है, उसको ना इसकी देखभाल करने के लिए बोलता है इस बेबी की। तो कुछ टाइम बाद जो हमारे स्क्वायर ऑलवर्दी है, उसको कुछ अफवाहों से पता चलता है कि जो इस बेबी है, इसकी जो मोम है, उसका नाम है जेनी जोन्स। तो फिर उस ये सब बातें पता लगने के बाद जो हमारे स्क्वायर ऑलवर्दी है, ये जेनी जोन्स को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है जेनी जोन्स की, हाँ ये मेरा बेटा है और मैं इसको छोड़ के गई थी। ओके, तो फिर ये बात जब गांव में पता चलती है जहाँ पे ये रहती है, तो इस वजह से सब लोग जो जेनी जोन्स उससे नफरत करते हैं, मतलब कि तो इसे पूछते हैं कि इसका मतलब कि पापा कौन है इस बेबी का, तो ये कुछ आंसर नहीं कर पाती, तो इस वजह से सब लोग इससे नफरत करते हैं। तो आगे सीन क्रिएट होता है। आगे सीन ये है कि डॉक्टर बिलफिल, कैप्टन बिलफिल, ये दो बंदे हैं, इनका ना जो हमारे स्क्वायर ऑलवर्दी, इनके घर पे खूब आना जाना होता है। तो फिर ये दोनों ना, इन दोनों का प्लान होता है कि ये कैसे ना कैसे जो स्क्वायर ऑलवर्दी की जो सिस्टर है ब्रिजिट, उसको अपने चुगलों में फंसाते हैं, जिससे हमारे पास जो स्क्वायर ऑलवर्दी है, इसकी कुछ संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। तो फिर जो कैप्टन बिलफिल है, ये और हमारी जो करेक्टर है, मेन करेक्टर स्क्वायर ऑलवर्दी की जो सिस्टर है, ये इसके प्यार में पड़ जाती है और ये इसे शादी हो जाती है इसकी। तो ये सब देख के जो कैप्टन बिलफिल का जो भाई होता है, मतलब कि जो जिसके साथ इसने प्लानिंग की थी, वो इसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि जो कैप्टन बिलफिल है वो बदल जाता है। ठीक है, तो जो कैप्टन बिलफिल है और जो इसकी स्क्वायर ऑलवर्दी की जो सिस्टर है, तो इनका फेयर चल रहा होता है, तो इनको ना एक बेटा हो जाता है जिसका नाम ये रखते हैं मास्टर बिलफिल। ठीक है, आगे जो हमारे ऑलवर्दी है, जो हमारे जो ये मेन करेक्टर है स्क्वायर ऑलवर्दी है, ये ना टॉम, इसका जो हमारी बेबी छोड़ के गई थी ना जेनी जोन्स, इसका नाम रख देते हैं वो टॉम। जो टॉम है और जो ये है मास्टर बिलफिल, ये कौन होता है, ये इनका बेटा होता है, उनकी उसकी बहन और उसके क्या बोलेंगे जीजा का। तो फिर जो मास्टर बिलफिल है और जो टॉम जोन्स है, तो जो हमारे ऑलवर्दी है, ये ना टॉम को ज़्यादा लाइक करते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने जिसका रियल नाइज होती है, उससे ज़्यादा ये टॉम जोन्स को ज़्यादा लाइक करता है। तो इनके जो दो ट्विटर होते हैं, वो इसको मास्टर बिलफिल को ज़्यादा लाइक करते हैं, और टॉम जोन को बहुत निकम्मा नाकारा समझते हैं, बिलफिल को ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे टॉम जोन्स है, ये ना ज़्यादा नौकरों वगैरह के साथ रहना पसंद करते हैं, ब्लैक जॉर्ज है उसके साथ भी इसकी जो ऑलवर्दी का मेट है, उसके साथ खूब बनती है, उनके साथ ये रहता है, और ये ना उनके लिए मतलब कि चोरी वगैरह करना चोरी तक भी कर देता है उनके लिए। जो हमारे टॉम जोन्स हैं, ये आजकल स्क्वायर वेस्टर्न के साथ रहते हैं, जो कि हमारे ऑलवर्दी की क्या है नेबरहुड में है। तो अपने टॉम जोन्स अपनी स्पोर्टमैनशिप से ये इम्प्रेस कर देते हैं स्क्वायर ऑलवर्दी को। ठीक है, स्क्वायर वेस्टर्न को, जिनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सोफिया। तो जो हमारे टॉम जोन है, वो ना सोफिया को लाइक करने लग जाते हैं। तो इसी दौरान जो हमारे टॉम जोन्स हैं, उसकी ना एक मतलब कि गर्लफ्रेंड होती है पहले ही,
जो जिसके साथ वो रहता था ना, ये ब्लैक जो 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 ये नौकर था, इसकी बेटी होती है मोली मोली। तो इसको पता चलता है टॉम जॉन को कि वो प्रेग्नेंट, तो ये सोचता है कि अगर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं सोफिया के साथ कैसे इंटरमीडिएट हो सकता हूँ। डर होगी वीडियो कुछ। तो वो सोचता है कि वो मैं सोफिया के साथ कैसे इंटरमीडिएट हो सकता हूँ। तो फिर जब उसको पता चलता है कि थोड़े टाइम बाद जो मोली की, वो मेरे बच्चे की नहीं, वो किसी और के साथ अफेयर था उसका, उसकी उसके बच्चे की माँ बनने वाली, तो ये बात सुनकर जो टॉम जॉन है वो बहुत खुश होता है और वो सोफिया की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होता है ये बात सुन के। जो हमारे स्कीयर हैं वो ना एक दिन बीमार पड़ जाते हैं, तो वो अपनी जितनी भी संपत्ति है वो टॉम जॉन्स और ब्लीफिल के बीच में बांटना चाहते हैं। तो एक लॉयर आके बताते हैं कि जो ये थी ना ब्रिजिट थी, जो ऑलवर्दी की जो सिस्टर थी, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सब सुन के सबको बहुत दुख होता है। तो जो हमारे ऑलवर्दी थे वो थोड़े बीमार पड़ गए थे ना, तो वो ना डॉक्टर्स बताते हैं कि वो अब ठीक है। तो ये सब सुन के जो हमारे टॉम जॉन्स है वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी ना हमारे ऑलवर्दी उसके साथ अटैचमेंट है थोड़ी, ठीक है। आगे सीन क्रिएट ये होता है कि जो हमारे टॉम जॉन है वो इतने खुश हो जाते हैं खुशी के हमारे पागल हो जाते हैं कि वो दारू शराब शुरू पता नहीं क्या क्या पीते हैं, ठीक है। तो ये सब देख के जो मास्टर ब्लीफिल है वो उसको मतलब कि बोलते हैं कि तो क्या हरकतें कर रहा है ये सब, ठीक है। आगे सीन ये है जो टॉम है वो सोचता है कि अब मेरी शादी सोफिया के साथ हो जाएगी। तो लेकिन जो सोफिया के जो पापा होते हैं, यानी कि मिस्टर वेस्ट, किसका क्या नाम था इसके पापा का, स्कीयर वेस्टर्न। तो फिर इन्हीं बिटवीन जो वो होती है ना सोफिया की बुआ, जिसका नाम है मिसेस वेस्टर्न, यानी कि स्कीयर वेस्टर्न की बहन मिसेस वेस्टर्न, वो आती है और वो इनको सुझाव देती हैं स्कीयर वेस्टर्न को कि सोफिया की शादी ना मास्टर ब्लीफिल के साथ करा दो, क्योंकि ये उनका सगा वो है मतलब कि भांजा। तो फिर इसको ना सारी वो संपत्ति वगैरह इसके नाम आएगी, तो इससे हमारी सोफिया राज वगैरह करेगी। लेकिन जो सोफिया है वो टॉम जॉन को प्यार करती है, जो मास्टर ब्लीफिल है वो मास्टर ब्लीफिल है, और जो मास्टर ब्लीफिल है वो जाके ओलवर्दी को कुछ अपशब्द बताता है टॉम जॉन को कि वो तो शराब पीता है, ये करता है, वो करता है, चोरियाँ करता है। तो ये सब सुनकर जो ओलवर्दी है वो टॉम जॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो मतलब कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से बाहर निकालते थे। जो फिर वहाँ से चला जाता है, वो जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो सोफिया से प्यार करता था, लेकिन फिर भी ओलवर्दी ने कहा तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो एक कंट्री साइड चला जाता है जहाँ पे उसे ना एक वो पार्टीज मिल जाता है, जो उसका एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। जो टॉम जॉन है वहाँ पे ना जाके एक वो आती है, एक लेडी होती है मिसेज वाटर, उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिर ये सब देख के जो हमारी सोफिया है वो मतलब कि उससे शादी नहीं करना चाहती मास्टर ब्लीफिल से, तो वो वहाँ से भाग जाती है और वो भी वहीं पे आ जाती है जहाँ पे टॉम रहता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आके देखती है कि टॉम और जो मिसेज वाटर है वो थोड़े आपस में बातचीत करते हैं, जो टॉम है वो उसकी हेल्पफुल करता है। तो उसे ऐसा लगता है, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो टॉम है और जो हमारी मिसेज वाटर है वो रिलेशनशिप में है। तो ये सब देख के वो कुछ नहीं बोलती हमारी जो सोफिया, वो ना बेड के ऊपर अपनी एक चीज़ रख के वहाँ से चली जाती है। आगे सीन क्रिएट होता है लंदन में, जो हमारे टॉम जॉन है वो अपने इसके लॉयल सर्वेंट के साथ प्रीटी जिसका नाम है, पार्टी जिसका नाम है, उसके साथ लंदन में चले जाते हैं। तो लंदन में ना ये दोनों एक मतलब कि जिनके घर पे रह रहे होते हैं किराए पे, मिसेज मिलर और उनकी डॉटर्स भी उनके साथ ही रहते हैं, और इन दोनों के साथ एक और बंदा रहता है जिसका नाम है नाइटिंगेल। तो यहाँ पे जो हमारे टॉम जॉन है उनको ना जो ये है ना इसकी जो मिसेज मिलर की एक डॉटर है जिसका नाम है नैन्सी, उसके साथ इसको अफेयर हो जाता है, दोबारा प्यार हो जाता है, तो फिर ये उसको प्रेग्नेंट कर देता है। तो फिर ये सब देख के कि नैन्सी प्रेग्नेंट है, तो फिर वो मतलब कि इस नाइटिंगेल जो उनके साथ रूममेट होता है उसको कन्वेंस करता है कि ये तू मान जाए कि ये तेरा बेबी है, तो ऐसे उसको पटाते हैं, ठीक है। आगे जो लेडी
बेलस्टन आगे जाके जो हमारी टॉम जोन है एक और लेडी से मिलते हैं जिसका नाम है लेडी बेलस्टोन, ठीक है, लेडी जो बेलस्टोन है उसे मिलते हैं। तो फिर जो यहाँ पे जो टॉम जोन है वो इससे मिल के सोफे से दूर हो चुका होता है। तो फिर आगे जाके लंदन के अंदर ये मास्टर ब्लीफिल ऑलवर्दी मिसेस वो मिस्टर मिसेस वेस्टर्न स्केयर वेस्टर्न ये सब वहीं पे पहुँच जाते हैं चारों। मास्टर ब्लीफिल जो मतलब कि वो ब्रिजिट का लड़का था वो, मिसेस वेस्टर्न यानी कि सोफिया के पापा, ऑलवर्दी यानी कि जो था बंदा जो बहुत ही नेकदार था जिससे स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और स्केयर ऑलवर्दी यहाँ पे तो ये उसकी बुआ थी मिसेस वेस्टर्न, ये उसके पापा। तो फिर यहाँ पे आके जो स्केयर वेस्टर्न है वो ना सोफिया को लॉक कर देते हैं रूम में। तो फिर जो हमारे स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रिटिज पार्टिक्स जो कि मिसेस वॉटर जो ये मिली थी ना ये यहाँ पे जिसकी जो टॉम थे वो बहुत हेल्प करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये उसका हस्बैंड होता है फ्रिटिज पार्टिक, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, फिज पार्टिक जो भी आप देख लेना। तो फिर ये इसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि टॉम जोन और जो ये हमारे मिसेस वॉटर इनके बीच में क्या है रिलेशन है। तो फिर ये जो हमारे जो मिसेस वॉटर के जो हस्बैंड है फिटिज पैट्रिक उसको टॉम जोन को युद्ध के लिए लड़कारते हैं, आपस में तलवार वगैरह के साथ लड़ते हैं। लेकिन जो हमारे टॉम जोन है ये फिटिज पैट्रिक को तलवार से घायल कर देते हैं और ऐसा प्रिटेंड ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जिससे कि लगता है कि मर चुका है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो टॉम जोन है उसको जेल हो जाती है, वो जेल के अंदर चल जाता है, उसका सीन ख़त्म है यहाँ से। आगे फिर जो हमारी ऑल जो मिसेस वॉटर है ये ऑलवर्दी के पास जाती है और बताती है कि मेरा जो पति है फ्रिटिज पैट्रिक वो मरा नहीं है वो जिंदा है। तो फिर जो हमारे ये मास्टर बिलफिल थे ये टॉम्स के अगेंस्ट ऑलवर्दी को मतलब कि वो करते हैं भड़काते हैं, लेकिन जो ऑलवर्दी है वो फिर उससे बात नहीं करते बिलफिल से क्योंकि उसको सच्चाई पता चल चुकी होती है। तो फिर जो टॉम जोन्स है वो जेल से फ्री हो जाता है। और फिर लास्ट में एक और बात का खुलासा होता है जो ये थी ना ब्रिजिट तो फिर इससे पता तो लास्ट में ये खुलासा होता है जो ये हमारी मिसेस वॉटर है यही जेनी जोन्स है जो कि टॉम को वहाँ पे छोड़ के गई थी। तो ये मिसेस वॉटर हमें बताती है कि वो जो ये है ना टॉम जोन ये असल में ब्रिजिट का ही लड़का था और ये सब मुझे ब्रिजिट ने करने के लिए बोला था। तो फिर ये सब बातें सुन के मतलब कि जब उनको पता चलता है कि जो हमारा टॉम है वही इनका असली उत्तराधिकारी है। तो फिर जो वेस्टर्न स्केयर होते हैं वो अपनी बेटी का हाथ सोफिया का हाथ टॉम के हाथ में दे देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मैंने रफली से डिस्क्रिप्शन दिया, आई होप आपको समझ आएगी।